नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में सड़कों का निर्माण कार्य बड़ी ही तेजी से हो रहा है। नीतीश सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, बिहार भर में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया गया है। हालांकि समस्या वहां उत्पन्न होती है जहां पर सड़कों का निर्माण तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके रखरखाव का काम ही नहीं हो पाता। यही कारण है कि जिन सड़कों को सालों साल चलना होता है, वो महज कुछ ही सालों में धराशाही होने लगती है। बिहार के अलग अलग कोने से सड़कों और पुलों के निर्माण के बाद रोड टूटने या अप्रोच पथ टूटने की खबरें आपने भी पढ़ी ही होंगी, या आपके आसपास भी कोई न कोई ऐसा मामला हुआ ही होगा जिससे आम लोगों को परेशानी तो होती ही है, साथ ही बिहार सरकार की भी खूब किरकिरी हुई है। यही कारण है कि बिहार सरकार ने अब सड़कों के रखरखाव को लेकर नई योजना बनाई है। इसको लेकर पथ निर्माण विभाग ने तय किया है कि वो अपनी सड़कों के रखरखाव की मॉनिटरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने वाले हैं। इसको लेकर विभाग ने अभी से ही तैयारियों को भी तेज कर दिया है, जिसके तहत ही विभाग की 90% सड़कें रखरखाव के लिए रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत निर्माण एजेंसीज को दे दी गई है। ऐसे में विभाग के माध्यम से इनके रखरखाव में तकनीकी तेज है। हालांकि अभी भी 10% सड़कों को इस श्रेणी से बाहर रखा गया है, जिन्हें रखरखाव के लिए निर्माण एजेंसीज को नहीं दिया गया है। ऐसे में अब उम्मीद है कि उन जगहों पर सड़कों का रखरखाव विभाग अपने माध्यम से करवाने वाला है। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों की माने तो काफी पहले से ही सड़कों के रखरखाव की मॉनिटरिंग में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता रहा है, नियमित रिपोर्ट भी मिलती ही रही है। इसी बीच बहुत से जगहों से ऐसी भी लगातार खबरें आ रही थी कि सड़कों के रखरखाव में गुणवत्ता का अनुपालन नहीं हो रहा है। इसलिए योजना यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर सड़कों के रखरखाव की जानकारी ली जाए। बिना इसकी जानकारी के इस माध्यम से सड़कों की स्थिति पर रिपोर्ट बनेगी। इसके तहत सड़कों के निरीक्षण में ऐसे सॉफ्टवेयर और टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी मदद से सड़कों के हाल का पूरा अपडेट मिलेगा। रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस व्यवस्था को आउटसोर्स करने की तैयारी है। मिली जानकारी के अनुसार सड़कों के रखरखाव का जिम्मा निर्माण एजेंसियों के पास 2025-26 तक है। ऐसे में इनके करार को खत्म करने में तकनीकी पेच है, इसलिए संभव है कि पथ निर्माण विभाग की 90% सड़कों का रखरखाव उक्त अवधि तक विभाग के माध्यम से नहीं हो पाए, जिसके बाद ही अब आगे भी उम्मीद है कि जितनी भी सड़कों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जिनका रखरखाव किया जाना है, उम्मीद है कि आगे वो सभी सड़कें चकाचक नजर आएंगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।